हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज 2.1 तक कराया था, अब मैं करा रही हूँ एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक सेलेक्ट करना है आंसर, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी के, तो उसमें से एक आंसर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, उस पर टिक मार्क लगाना है। तो अब ऐसे नहीं कि आप कोई भी आंसर पे टिक लगा दो, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद उस पर टिक लगाना है। तो फर्स्ट है ₹56 × 3/4 इज, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब फोर की टेबल में 56 कितने टाइम्स आता है, 14 टाइम्स आता है, ठीक है। तो 4×1=4 और ये 56 कट, 4 की टेबल में 14 टाइम्स आता है, तो यहाँ मैंने कट करके 14 लिख दिया, ठीक है। अब ये 14 बचा क्या, 14 और 3 बचा, और बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो 14 × 3 = 42, इनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है, 42। तो ऑप्शन कौन से पे टिक लगाना है, सी पे टिक लगाना है, ठीक है। ये मैंने इसी तरह इसको सॉल्व करके क्वेश्चन सेकंड आपको करना है, इसी तरह आपको सॉल्व करके एक ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो क्वेश्चन सेकंड आपके लिए होमवर्क पे है, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है फाइंड द प्रोडक्ट्स, इसमें प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है 5/8 × 4/7, ठीक है। अब जिसमें कट आउट हो रहे हैं उन्हें कट करना है। ये 2 की टेबल से कट हो रहा है, सॉरी ये मैंने 4 की टेबल से कट किया, 4×1=4, 4×2=8, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम कुछ भी कट करने जैसा नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5×1=5 और 7×2=14, तो 5 ये 5/14 इसका आंसर है। ये है थर्ड का ए, ठीक है। अब मैं करा रही हूँ थर्ड का डी। जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, जैसे क्वेश्चन बी सिमिलर क्वेश्चन है इसके जैसा ही है, क्वेश्चन सी बाकी के क्वेश्चन सब एक जैसे ही है, बस मैंने पैटर्न नंबर चेंज है। तो मैं करा रही हूँ क्वेश्चन थर्ड का डी। तो क्वेश्चन थर्ड का डी है 2/5 × 3/1/4, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 4 की टेबल में 3 कितने टाइम, 4 की टेबल 3 टाइम्स बोलेंगे कितना होता है, 12 होता है, प्लस 1 13, 13 और 4, तो 13/4 मैंने यहाँ लिख दिया। अब 2/5 × 13/4, अब जो कट हो रहा है उन्हें हम कट करेंगे। 2×1=2, 2 की टेबल में 4 भी आता है, 2×2=4, ठीक है। अब फिर क्या बचा, अब कुछ भी कट नहीं हो रहा है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 13×1=13 और 5×2=10, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, 13/10। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन थर्ड करने हैं, ठीक है, पैटर्न वही है, करना इसी तरह है, बस डिजिट्स चेंज है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड आप लोगों के लिए होमवर्क में है, और क्वेश्चन ए और डी मैंने करा दिया, तो क्वेश्चन थ्री अब आप लोगों के लिए होमवर्क में है। अब करा रही हूँ क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ भी है फाइंड द प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट है 5/6 × 8/14 × 3/27, ठीक है। 5/6 × 8/14 × 3/27, अब जो कट हो रहे हैं मैं उन्हें कट करूंगी। 2 की टेबल से ये कट हो रहा है, 2×4=8, 2×3=6, ये कट आउट हो गए। अब मैं चाहूँ तो इसे यहाँ पे कट कर सकती हूँ, लेकिन मैंने इसे नेक्स्ट स्टेप में लिया है, ठीक है। तो 5/3 × ये क्या हो गया था, 4 और ये 14, ये 5/3 हो गई, ये 5/3 मैंने लिख दिया, ये 4/14, ये 4/14 × 3/27, अब मैं इन्हें कट करूंगी, ठीक है। तो अब है, तो अब कट करेंगे, 3×1=3, 3 की टेबल में 27 आता है, 3×9=27, ठीक है। अब यहाँ पे भी कट हो रहा है, ये 2 की टेबल से कट हो रहा है, 2×2=4 आता है, ये 2 की टेबल में 2 टाइम्स आता है 4, और 2 की टेबल में 14 भी आता है, 2×7=14। तो अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनी, 5/3 × 2/7 × 1/9, ठीक है। अब कुछ भी कट नहीं हो रहा है इसमें से, ठीक है, कुछ भी कोई भी किसी की टेबल में नहीं आ रहा है आपस में, तो हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 2 × 1 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। 3×7×9 कितना होता है, 189 होता है। तो आंसर क्या हुआ, 10/189। तो इसी तरह आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो जिसकी टेबल में आता है उसे कट करना है और फिर बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो बाकी के क्वेश्चन बच गए वो होमवर्क के लिए है, और फोर्थ के जो बाकी के क्वेश्चन बच गए वो होमवर्क के लिए है। तो क्वेश्चन फोर्थ तक अब आपको समझ में आया हो, आई होप।
दैट्स इट फॉर टुडे।